जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्विक रिवीजन मॉड्यूल यूपीएससी प्रीलिम्स 2004 आधुनिक भारत के इतिहास का अगला अंक आपके लिए प्रस्तुत है ब्रिटिश भारत में प्रशासन और इस प्रशासन में हम विशेष ध्यान देंगे किसके ऊपर भू राजस्व बंदोबस्तों के ऊपर अब अंग्रेजों के अधीन भू राजस्व नीति को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हमारी टीम ने सचित्र प्रस्तुत किया है आपके पास आप देख ही रहे हैं किस क्षेत्र में कौन था क्या था मोराजोसा प्रणाली कौन से लोग थे थॉमस मुंदरों ने जारी रखा क्या किया क्या नहीं किया मतलब आप पहले ऐसे पढ़ेंगे फिर ऐसे फिर ऐसे देखें ये तीनों आप, आप पढ़ लेंगे फिर ब्रिटिश किसान फिर रैयतों के ऊपर प्रभाव फिर लागू करने के कारण फिर विशिष्टताएं और इस तरह से करते करते यह समाप्त हो जाएगा फिर किसानों पर प्रभाव देखेंगे फिर ज़मींदारों पर प्रभाव पर देखेंगे और फिर किसके ऊपर प्रभाव देखेंगे भूमि पर प्रभाव एवं अन्य प्रभाव पर देखेंगे अब इसमें कुछ अलग से चीज़ आ गई है जो फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ये कभी कभी कुछ गलत संबंध बन जाते हैं मेरे ख्याल से कि इनके तुरंत बाद भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति इस अंक में शामिल करना ये उसी तरह का गलत संबंध स्थापित हो गया है गलत संबंधों को समाज स्वीकृत नहीं करता है हम भी नहीं करेंगे

लेकिन सर उसमें यह दिखाया गया है कि बंगाल के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था इसके लिए क्या उसकी उपयोगिता थी तो ठीक है देखिए कहानी की शुरुआत होती है अभी मैं थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर लूँ फिर इसकी बात हम लोग करते हैं ठीक है, है ना इन्होंने जो प्रश्न पूछा आप शायद स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए हो इनका ये कहना था कि इन्होंने कहीं पढ़ा है कि अठारह में के चार्टर एक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसा कोई पद सृजित किया गया था इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वापस लौटना पड़ेगा 1833 में। 1833 में में हमें पता है कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को यानी कि अब उसको बंगाल के विशेष दायित्व से मुक्त रखा गया अब उसका दायित्व और अधिक सामान्य हो गया सभी भारतीय क्षेत्रों के प्रति हो गया तो अब बंगाल के प्रशासन का क्या किया जाए तो उस समय 1833 में जो व्यवस्था दी गई उसमें बंगाल के प्रशासन को उसकी काउंसिल के एक वरिष्ठ सदस्य के हवाले कर दिया गया कि अब आप देख लेना गवर्नर जनरल को थोड़ा घूमना घामना इधर उधर ठीक है ना अब 1833 में कहा यह गया कि इस एडहॉकिज्म से काम नहीं चलेगा ये काम और करते हैं कि एक नया गवर्नर ही बना देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित कर दिया गया और उसके हाथ में बंगाल का शासन सौंप दिया गया और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और उस काउंसिल का वह वरिष्ठ सदस्य जो बंगाल के प्रशासन से संबंधित था उन सबको मुक्त कर दिया गया किसी क्षेत्र विशेष के प्रशासन से और वह सभी क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित मतलब सभी क्षेत्रों के शासन से अपने आप को संबंधित मानने लगे थे तो ये स्पष्ट हो गया ठीक है ना चलिए तो देखिए अब राजस्व नीति में जैसा कि मैंने आपको उसकी झांकी दिखाई है ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक भी हो सकता है ये इसलिए कि अगर भारतीय समाज पर अगर पूछे कि औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा और हमें पता है कि भारतीय समाज एक कृषि समाज है यानी कि कृषि पर पड़ने वाले सभी प्रभावों को हम सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के अंतर्गत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं तो आइए इनकी बात करें और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष है आमतौर पर जिस तरह की प्रवृत्ति है उसमें आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन वाले पक्ष से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके पहले वाले से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं किसी ज़माने में हम लोग इस तरह की नीतियों की बात क्लासेस में कम करते थे अक्सर आधुनिक भारत के इतिहास अठारह से शुरू होता था और उन्नीस सौ सैंतालीस पे लाके ख़त्म कर देते थे और उसमें कुछ आंदोलन होते थे कुछ गांधीवादी और कुछ ग्रास रूट लेवल पे कुछ क्रांतिकारी और इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का पटाक्षेप हो जाता था लेकिन विगत कुछ वर्षों में देखा होगा आपने कि पीटी में भी और मुख्य परीक्षा में भी अठारह के पहले से अधिक प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है मिला जुलाकर यह तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए एक निश्चित स्तर की तैयारी हमें हर क्षेत्र में करनी है हम किसी को छोड़ नहीं सकते उतना करने के बाद अगर हम चाहें तो किसी क्षेत्र की विशेष तैयारी कर सकते हैं लेकिन अगर सेलेक्टिव तैयारी का मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि किसी क्षेत्र को छोड़ देना है तो वह घातक है आत्मघाती है तो इसमें कुछ चीजें आ सकती हैं सबसे पहले तो एक हो सकता है कि कारक कौन थे जिन्होंने प्रभाव डाला सभी राजस्व बंदोबस्त पर कारकों में कभी कभी हम ये भी शामिल कर सकते हैं मंतव्य जिसकी चर्चा आपके मेटेरियल में भी की गई है कि उनका उद्देश्य क्या था मंतव्य क्या था भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान में आय के स्रोत के रूप में भूमि कर से महत्वपूर्ण कोई दूसरा कर नहीं था और इनके पास अधिक से अधिक उगाही करना अधिक से अधिक धन संग्रहण करने के अतिरिक्त कोई दूसरा आरंभिक लक्ष्य नहीं था आप समझ सकते हैं कि अगर आरंभिक परिवर्तन आर्थिक जगत में अगर हुए तो सबसे पहले कृषि जगत में ही हुए तो कारक और मंतव्य एक पक्ष हो जाएगा दूसरा पक्ष ये हो जाएगा कि कौन कौन सी व्यवस्थाएँ कौन कौन से बंदोबस्त इन्होंने तैयार किए उन बंदोबस्तों से संबंधित कुछ व्यक्ति होंगे कुछ विचार होंगे कुछ संस्थाएँ होंगी और फिर उन सब का एक सम्मिलित प्रभाव होगा प्रभावों के मामले में यहाँ अलग अलग लिखने की चेष्टा की गई है लेकिन मैं प्रभावों को एक साथ कराने में यकीन रखूँगा वो इसलिए कि चूँकि मंतव्य एक जैसे थे उद्देश्य एक जैसे थे तो प्रभाव भी लगभग एक जैसे ही पड़े तो अगर आप उन अलग अलग प्रभावों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत उसमें रिपीटेशन भी है थोड़ा जैसे परमानेंट सेटलमेंट के प्रभावों को रेतवारी सेटलमेंट के प्रभावों से और इन दोनों के प्रभावों को माहलवारी सेटलमेंट के प्रभावों से अलग अलग करके देखना ये अनावश्यक रूप से बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाएगा इसलिए कि आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो यथार्थ में संभव नहीं है हमें भू राजस्व प्रणालियों को उनकी समग्रता में देखना है उनके मंतव्यों की समग्रता में देखना है और उनके प्रभावों को भी उनकी समग्रता में ही देखना होगा अगर हम ऐसा करें तो हम अधिक उपयोगी दृष्टिकोण मेरे मेरी समझ से अपना सकते हैं तो ये तीन प्रमुख पक्षों में मैं आपके इस पूरे मेटेरियल को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा विस्तार आपके पास है वह जो आपके पास है वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं मैं जो करने जा रहा हूँ मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो वहाँ नहीं है उन्हीं चीजों का रिपीटेशन है प्रस्तुति का तरीका कुछ अलग हो सकता है जैसा कि अब तक आप लोग समझ गए होंगे तो भू राजस्व की जो नीति थी जो बंदोबस्त था उसके लिए ऐसे क्या किए गए कौन कौन से कारक थे जिन्होंने प्रभावित किया तो एक तो ये था कारकों की बात करने जा रहे हैं कि ब्रिटिश शासन का अपनी वैसिक चरित्र आपको पता है कि ब्रिटिश शासन के बारे में कहा जाता है कि यह परपेचुअल इन्वेजन था इससे पहले आक्रमणकारी आए आए लूटे और चले गए नहीं गए तो रह गए रह गए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ की राज्य व्यवस्था के हिस्सा बन गए और अपनी भूमि से संपर्क उनका टूट गया यहीं के समाज में धीरे धीरे आत्मसात हो गए यानी कि उनका राज्य औपनिवेशिक राज्य नहीं रहा अंग्रेज आए तो गए भी नहीं अपने मातृदेश से संपर्क भी नहीं तोड़ा और यहाँ के साधनों का प्रयोग अपने मातृ देश के हित के लिए किया इसीलिए इस राज्य को औपनिवेशिक राज्य कहा जाता है मुगल राज्य औपनिवेशिक नहीं था इसलिए कि मुगल भारत में ही बस गए जो लूटना था यहीं लूटे जो देना था यहीं दिए यहाँ की अर्थव्यवस्था के हिस्सा तो बन ही गए थे तो धन का अपवहन भारत से समरकंद में नहीं हुआ लेकिन भारत से इंग्लैंड में हुआ इसलिए कि इंग्लैंड आधुनिक व्यवस्था का परिचय का परिचय दे रहा था वहाँ की अर्थव्यवस्था नहीं थी सामाजिक जीवन नया था वहाँ की प्राथमिकताएँ नहीं थी और संसाधन भी आधुनिक थे और आधुनिक विचारों और आधुनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत पर शासन किया जाना था और उपनिवेशवाद जिसे हम कहते हैं यह एक आधुनिक प्रक्रिया है इससे पहले हम साम्राज्यवाद तो देखते हैं उपनिवेश जैसी स्थिति आमतौर पर नहीं देखते हैं इसलिए कि लोग जब मात्र देश छोड़ के जाते थे तो जहाँ जाते थे वहीं के होकर रह जाते थे तो जब तक यातायात तथा संचार के साधनों का विकास बड़े स्तर पर नहीं हुआ तब तक दूर जाने के बाद भी मात्र देश के साथ संपर्क बनाए रखने जैसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है भारत से भी आपने सुना होगा कि किसी जमाने में लोग रंगून जाते थे और वहीं रह जाते थे इधर उनकी बीवी बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते रहते थे कुछ लोग कहते थे कि काला जादू कर दिया किसी ने कुछ लोग कहते थे कि कुछ और जादू कर दिया बाद में बुढ़ापे में कभी कभी घर लौटते थे तो पंचायतें होती थी इसलिए कि एक नए परिवार और नए बच्चों के साथ लौटते थे और पुरानी पत्नी और पुराने बच्चे उनके गांव में आगमन को एक नए दृष्टिकोण से देखते थे पंचायतें बैठती थी झगड़ा होता था पता नहीं क्या क्या होता था और फिर पता चलता था कि ये जिसको काला जादू कह रहे थे वो बेसिकली काला तो बिल्कुल भी नहीं था वो किसी और ही तरह का जादू था नए परिवार को देखकर जादू का एहसास लोगों को होता था तो जो जहां गया वहीं रह गया वहीं बस गया उसी संस्कृति में बस गया वहीं का होके रह गया भारत में इनडेंचर्ड लेबर अठारह के बाद आपने सुना होगा जिसको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं ये गए मजदूरी करने पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वहीं बस गए आज उनके वंशज हमारे भारतीय संस्कृति के पोषक बने हुए हैं और भारतीय संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने की उनकी क्षमता के ऊपर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है अगर आप देखें किसी साल तो किस हद तक उन्होंने भारतीय संस्कृति के तत्वों को वहां पे बनाए रखा है तो लेकिन अंग्रेज का राज्य ऐसा नहीं था वो औपनिवेशिक चरित्र का था और औपनिवेशिक चरित्र में प्रधानता किस चीज़ की होती है शोषण की होती है तो या तो इनका भारतीयकरण हो गया होता या भारतीय समाज में आत्मसाथीकरण हो गया होता भारत के आर्थिक हितों के साथ इनके हित मिल गए होते औपनिवेशिक चरित्र समाप्त हो गया होता तो क्या लगता है इनकी राजस्व पद्धति वैसी ही होती जैसी की हुई तो इसकी वजह से दो चीजें हुई एक तो जब भी कर लगाया गया भू कर कर की दर कैसी रही हायर रही ऊपर की और दूसरा जो वसूली की पद्धति थी वसूली की जो पद्धति थी वह काफी कठोर थी अब इसको तो मैंने संकेतों के माध्यम से दिखा दिया कठोरता को किस संकेत से दिखाऊं? कर की दर ऐसी थी कि भारतीयों के दिल टूट जाते थे दो हिस्सों में मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए इशारा है या छोड़िए हर जगह संकेत का सहारा नहीं लेंगे कठोर उसमें किसी तरह की छूट नहीं थी आपको सामान्य विशिष्टताओं पर कथन देकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्तों के संदर्भ में सही है अथवा गलत है तो वसूली की पद्धति कठोर रही इसी का एक हिस्सा यह था कि किसी भी तरह की छूट का अभाव था आपको पता होगा कि गांधी जी बहुत बाद के दिनों में एक आंदोलन चलाते हैं खेड़ा में किसानों का आंदोलन है ये आंदोलन का मूल कारण क्या था कि उत्पादन नहीं हुआ था और सरकार बढ़े हुए दर के हिसाब से वसूली करना चाहती थी गांधी जी ने कहा था कि मत दो जो दे सकते हैं वो भी ना दो जो नहीं दे सकते उनको तो नहीं ही देना है ऐसा ही कुछ किया था तो आरंभ से लेकर अंत तक यह प्रवृत्ति बनी रही आज आप देखें कि आज हमारी राष्ट्रीय सरकार है और मुझे लगता है आपकी शक्लों को देखकर कि आप भी जमींदार टाइप के लोग हैं अच्छी खासी जमीनें होंगी आपके पास अब आप बताओ कि आप में से कितने लोगों ने आखिरी बार भूमि कर भू राजस्व अदा किया था याद भी नहीं होगा आपको पता ही नहीं कि वसूली होती है हाँ मुझे याद था नहीं नहीं। 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 मुझे मुझे मैंने देखा था अपने दादाजी के ज़माने में कि कुछ लोग साइकिल से आते थे लाल कपड़े में कुछ चीज़ें बांध के लाते थे और वो पुराने दस्तावेज निकालते थे पढ़ते थे और हम लोग बगल में हल्ला वगैरह करते थे तो डांट के भगा दिया जाता था कि कुछ सीरियस काम चल रहा है उसके बाद से हमने भी नहीं देखा बरसों हो गए दादाजी को मरे पिताजी को भी मरे लेकिन आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम जमीन के अब मालिक हो भू राजस्व कर कहाँ है जब आप किसी काम से जाते हैं ना ब्लॉक वगैरह में जब मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो आय प्रमाण पत्र बनवाना हो या इस तरह के दस्तावेज बनवाने हो तो वहां के अधिकारी तब आपको बताते हैं कि नहीं बनेगा जी क्यों नहीं बनेगा तो भू राजस्व जमा नहीं हुआ है पहले इसको जमा कराइए रसीद कटाइए फिर ये कागज आपको मिलेगा फिर हम क्या करते हैं हम बोलते हैं कि सर देख लीजिए और सहयोग की भावना अपने उच्चतम अवस्था पर पहुंचती है अक्सर ऐसे मामलों को देख ही लिया जाता है उसकी कीमत पचास से सौ रुपये की होती है और उसके बाद कोई आपसे भू राजस्व के बारे में नहीं पूछता है फिर अगले दस सालों में अगर आपको एक बार जरूरत पड़े तो फिर आपसे कहा जाएगा कि ये नहीं बनेगा इस बार हो सकता है कि आपको सौ देना पड़े या कभी कभी तो मांगा भी नहीं जाता है कहा जाता है आप खुश हैं ना मतलब अगर आप खुश हैं तो थोड़ी सी खुशी हमें भी दे दीजिए तो घुस मांगने के तरीके होते हैं आप सीख जाओगे टेंशन नहीं है नहीं तो मुझसे मिलना मैं बता दिया करूँगा उसके बाद भी मिलना कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का इरादा भी होगा एकदम जाकर लूट खाने का ऐसे ऐसे लोग नहीं है यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है तो ऐसे लोग नहीं हैं तो अच्छा चलिए ठीक है तभी तो देश का शासन चल भी रहा है व्यवस्था तभी चल रही है आप जैसे ईमानदार जो सेवक हैं इन्होंने ही व्यवस्था बनाए रखी है और व्यवस्था चल भी रही है वरना मत से न्याय वाली बात हो गई रहती अब तक तो हम व्यवस्था से इतने निराश नहीं है और आपको देखकर तो मेरी आशा और भी मतलब ये वाली हो रही बढ़ती जा रही है तो छूट का अभाव था और यह सब किस वजह से हो पाया कि शासन का औपनिवेशिक चरित्र था दूसरा जो कारक हम मान सकते हैं वो ये है कि ब्रिटिश विजय की प्रकृति ब्रिटिश विजय की प्रकृति इसने भी प्रभावित किया था ब्रिटिश विजय की प्रकृति यह थी कि यह एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति थी लगभग सौ सालों तक चली तो अगर सारे क्षेत्र एक साथ आपके नियंत्रण में आ जाएं, तो आप जो भी व्यवस्था लागू करेंगे उनमें समरूपता होगी लेकिन अगर अलग अलग समय पर विविध क्षेत्र आपके नियंत्रण में आते हैं तो आप कोई भी व्यवस्था लाएंगे उसमें विविधता होगी कि नहीं होगी यह एक क्या थी क्रमिक प्रक्रिया थी और इस क्रमिक प्रक्रिया के होने की वजह से जो चीज आई थी उस चीज को हम कह सकते हैं कि राजस्व प्रशासन में विविधता तो आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के भू राजस्व बंदोबस्त लागू किए गए थे या नहीं तीसरी चीज जो हो सकती है जो यहाँ पे असर डालेगी वो है आप कह सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायल एंड एरर कहते हैं अंग्रेज़ी में ट्रायल एंड एरर समझते हैं आप ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर की आप हिंदी बता दें ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर हम लोग भी तो करते रहते हैं एरर मतलब गलती भूल ट्रायल एंड एरर बस रुक जाइए हिंदी माध्यम का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ ये तो बाद में मुझे ज़बरदस्ती परिस्थिति बस फिरंगी ज़ुबान सीखनी पड़ी और आपसे साथ मिलकर मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इस बीच में मेरे ख्याल से दस बारह सालों में मैंने हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ाया था बहुत पहले मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था और कैद अंग्रेज़ी की कैद में घुस गया था मैं हाँ कभी कभी बीच बीच में कहीं कहीं लेकिन इस बार विधिवत तरीके से मुझे हिंदी और मेरी हिंदी धीरे धीरे रिवाइव हो रही है हो जाएगी इसको भूल और सुधार लिख देते हैं भूल एवं सुधार हर तरह की गलती का सुधार होता है कि नहीं होता नहीं होता अंग्रेजी लिख देंगे ना ब्रैकेट में क्या लिख देंगे ट्रायल एंड एरर जब भी ट्रायल एंड एरर कब होता है जब लंबी प्रक्रिया अगर एक दिन का कोई प्रयोग हो तो ट्रायल एंड एरर कैसे करेंगे आप ट्राई किए एरर पता चला काम खत्म आपका लेकिन अगर सौ सालों की प्रक्रिया है तो उसमें जब आप दूसरे चरण में पहुंचेंगे उस समय तक आते आते पहले चरण की जो त्रुटियां थी उसकी जो अंतर विरोध थे वो स्पष्ट हो चुके होंगे कि नहीं हो चुके होंगे तो क्या आप उनको दोहराएंगे तो जब माहलवारी बंदोबस्त लागू किया गया रियतवारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उस समय तक आते आते अस्थाई बंदोबस्त की त्रुटियां उजागर हो गई थी आमतौर पर दो त्रुटियां एक तो अस्थाई उसका चरित्र अस्थाई और दूसरा ज़मींदारों के साथ किया जाना तो अब आप देखेंगे कि उसके बाद के जो बंदोबस्त हुए उनको उन बंदोबस्तों में न तो जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया गया और न ही किसी भी बंदोबस्त को अस्थाई रूप दिया गया इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा हो रही है मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं इसको चौथा अगर हम देखें तो हम इसको कह सकते हैं स्थानीय परिस्थितियाँ स्थानीय परिस्थितियां हर तरह के प्रयोग को प्रभावित करती हैं जैसे कुली खान के प्रशासन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भूस्वामियों का एक स्थानीय वर्ग पैदा हुआ था तो किसी भी तरह के राजस्व बंदोबस्त में उस वर्ग की अनदेखी कर पाना किसी भी नई व्यवस्था के लिए संभव नहीं था लेकिन टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य में जो चीज़ें चल रही थी उसमें किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाने पर बल दिया गया था जिसकी वजह से पोलीगर कहते हैं पोलीगार कहते हैं जैसे भूस्वामी वर्ग लगभग नष्ट हो गए थे तो जब रेतवारी बंदोबस्त किया गया तो उस क्षेत्र में कहीं भी कोई इस तरह का विशेष रूप से प्रभावी भूपति वर्ग नहीं मिला इस कारण वहाँ पर जो बंदोबस्त किया गया वह किसानों के साथ किया गया था रेतवारी बंदोबस्त इधर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि आज भी ग्राम समुदायों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अक्सर आपने देखा होगा खाप पंचायत का नाम सुना होगा आप में से कुछ लोगों ने खाप को हम लोग किसी विशेष कार्य के लिए मीडिया वगैरह से जानते हैं लेकिन वो बहुत आयामी होता है उसमें और भी दूसरे काम होते हैं वो एक तरह से सामाजिक इकाइयाँ हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण होता है उनके कुछ कामों की बहुत आलोचना होती है कुछ कामों में जैसे पारस्परिक सहयोग है या साझा कुछ उपक्रम है इसको लेकर उनकी तारीफें भी होती हैं मिश्रित तस्वीर देखने को मिलती है आमतौर पर चूँकि ग्रामीण समाज में होते हैं खाप और ग्रामीण समाज को वैसे भी परंपरागत माना जाता है अधिक कठोर और अनुदारवादी माना जाता है तो खापों को भी इस तरह से देखने की परंपरा है बहुत गलत भी नहीं है खापों ने कुछ काम ऐसे किए भी हैं कर्तव्य कुछ ऐसे किए भी हैं कभी कभी कानून के साथ उनका टकराव भी हो जाता है तो उस क्षेत्र में इस तरह के लोगों की या इस तरह के संस्थाओं की प्रधानता को देखते हुए अगर भू राजस्व बंदोबस्त किया गया तो किसके साथ किया गया महाल के साथ किया गया तो स्थानीय परिस्थितियों ने हमेशा इसको प्रभावित किया पांचवी चीज इसने भू राजस्व बंदोबस्त को प्रभावित किया था उसमें आप कह सकते हैं कि नए विचारों का प्रभाव हमने अभी देखा था कि इंग्लैंड एक बदलता हुआ समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था और बदलते हुए समाज में वैचारिक स्थितियां बदलती रहेंगी आर्थिक चिंतन बदलता रहेगा उद्देश्य बदलता रहेगा जब उद्देश्य बदल जाते हैं तो मेरे ख्याल से व्यवस्था भी बदल जाती है और मेरे ख़्याल से आपका भी यही ख्याल होगा ख्याल नहीं होगा तो अनुभव होगा भी तो कुछ नए विचार पैदा हो रहे थे और जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि बाज़ार का विकास बाजार का विस्तार और कोई उद्देश्य न हो तो बाजार का विस्तार या फिर उपयोगितावादी जो लोग थे उनका एक नारा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल तो इस तरह के नए प्लस उदारवादी थे और उदारवादियों का ध्यान अधिकारों पर था मौलिक अधिकारों पर था और मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी एक नई पवित्रता प्राप्त कर रहा था पश्चिमी पूंजीवादी समाजों में तो जब इस तरह के नए विचार और उनकी प्राथमिकताएं इस तरह की होंगी तो क्या उनका असर भारत में होने वाले राजस्व प्रयोगों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अक्सर इन्होंने एक ही जैसी चीजें मांगी अलग अलग मंतव्यों से लेकिन उनको इस तरह से मांगा गया या इस तरह से इंप्लीमेंट किया गया कि सबका हित साधन हो उसमें जैसे बाजार का विस्तार कैसे होगा आप बताओ कि किसी बाजार में सौ लोग हैं और सौ लोगों के पास हजार हजार रुपए हैं। ये क्या है Number of persons. ये क्या है? रुपीज और कोई बाजार हो जिसमें कि हजार लोग हों और हजार लोगों के पास सौ सौ रुपए हो और आप व्यवसायी हैं खुदरा वस्तुओं के उन वस्तुओं के जो कि दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं कैपिटल गुड्स नहीं कंज्यूमर गुड्स क्योंकि आरंभिक दिनों में जो औद्योगिक उत्पाद भारत आने वाले थे वो कंज्यूमर गुड्स ही थे मशीन वगैरह नहीं थी तो अब आप बताओ कि किस व्यवस्था में किस बाजार में व्यापार करना चाहेंगे आप इधर वाले उधर वाले से बेहतर है कि मैं इनको नंबर दे दूँ इसको नाम रख देता हूँ ए इसका नाम रख देता हूँ बी बी में बाज़ार करना चाहेंगे आप बी में बिजनेस करना चाहेंगे आप आप सबका भविष्य बहुत ही उज्जवल है प्रशासक बनेंगे ना बनेंगे वो तो बाद की बात है अच्छे व्यवसायी जरूर बन जाएंगे प्रशासक भी तो व्यवसायी होते हैं होते हैं कि नहीं होते इसलिए निर्बाध रहा करो निर्भय रहा करो इतनी क्षमता आपके अंदर जरूर है कि जीवन तो जी ही लोगे तो फिर किस बात का डर सामाजिक आकलन का इधर उधर का आपको देखकर बहुत आशाएं मेरे अंदर आई जब आपने कहा कि बी में आप जाएंगे ये डिसीजन मेकिंग है अर्थव्यवस्था के सिद्धांत इसके लिए काम करते हैं कोई भी, भी व्यक्ति अपने उपभोग उप्भो, उपभोग में जीवन के लिए जीवन निर्वाह के लिए जो खर्च करता है वह बढ़ती आमदनी के साथ उसकी कुल आमदनी का घटता हुआ भाग होता है मतलब वो घटता चला जाता है हम सौ कमाएंगे तो नब्बे खर्च करते हैं लेकिन दो सौ कमाएंगे तो नौ दो नौ अठारह एक सौ अस्सी नहीं खर्च करेंगे एक सौ पचास करेंगे प्रोपोर्शन कम हुआ कि नहीं हुआ तो अगर आप कैपिटल गुड्स की बात कर रहे होते तो इसमें जाते आप क्योंकि मूल्य अधिक है लेकिन अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे तो किस में जाएंगे आप इसमें जाएंगे ठीक है ना? अब आप बताओ बाजार यहाँ पे बड़ा बाजार है सब लोग समझ गए ना इसमें किसी को डाउट नहीं है अब आप बताओ कि कुछ लोगों के पास कुछ ज़मींदारों के पास बहुत सारी जमीन हो या बहुत सारे किसानों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन हो बाजार का विस्तार किसमें होगा बहुत सारे किसानों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन हो तो अब आप बताएं कि परमानेंट सेटलमेंट जिसमें कि बहुत सारे बहुत कम जमींदारों के पास बहुत अधिक ज़मीनें थी से रैयतवार की तरफ लोग क्यों बढ़ गए थे और हर किसान को इसी बहाने क्या मिल जाएगा संपत्ति का अधिकार भी मिल जाएगा जो पहले कुछ जमींदारों को मिला था और हर किसान को उसी बहाने क्या मिल जाएगा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख भी सुनिश्चित हो जाएगा राजस्व दर कम किया जाने लगा एक वक्त ऐसा भी आया लेकिन कम करने का उद्देश्य यह नहीं था कि भारतीय किसानों के प्रति किसी तरह की हमदर्दी आ गई थी बल्कि यह था डलहौजी का नाम अभी हम लोगों ने देखा है भारत के महानतम साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल में उसका नाम आता है लेकिन उस व्यक्ति को राजस्व दर कम करने के लिए जाना जाता है न कि बढ़ाने के लिए इसलिए कि जब वह शासन कर रहा था तो ब्रिटिश शासन की प्राथमिकताएं परिवर्तित हो चुकी थी अब भारत का शोषण दूसरे तरीके से किया जाना था अब भारत में तैयार माल की बिक्री करनी थी इसके लिए भारतीय किसानों की क्रय क्षमता का विस्तार करना भी जरूरी था और आप बताएं कि अगर राजस्व की दर बहुत ही ऊंची हो तो क्रय क्षमता का विस्तार होगा नहीं होगा तो उसको कम किया गया क्यों किया गया इसलिए नहीं कि हम हित ऐसी हैं बल्कि इसलिए कि हम बाजार में बेचना चाहते हैं और अगर राजस्व की दर कम होगी तो क्या होगा भारत में बाजार का विस्तार होगा तो नए विचारों ने भी भू राजस्व बंदोबस्त के दौरान हुए प्रावधानों को सुनिश्चित किया अब आप समझ गए कि प्रभावित करने वाले कारक कौन थे और किन किन तरीकों से प्रभावित किया अब आइए इन राजस्व बंदोबस्तों में से कुछ की बात कर लें उनके कुछ तथ्यों की बात कर लें उन तथ्यों की जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उपयोगिता थोड़ी कम है हाँ उनके प्रभावों की उपयोगिता उप यूपीएससी के प्रश्नों में ज्यादा है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बेसिक तथ्य हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते सबसे पहले हम लोग उस बंदोबस्त की बात करेंगे जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया और यह अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना गया आप में से अगर कुछ लोगों को बंदोबस्त वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये बता दूं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेटलमेंट इसके तहत कुछ चीज़ों का निर्धारण किया जाता है जैसे भूमि का स्वामी कौन होगा किसको माना जाएगा क्योंकि जिसको स्वामी जब तक आप किसी को नहीं मानेंगे आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि राज्य को भू राजस्व का भुगतान कौन करने जा रहा है प्लस इसमें इस बात का भी निर्धारण होता है किसी भी बंदोबस्त में कि किस दर से कर की अदायगी की जाएगी उसकी शर्तें क्या होंगी और यह भी तय किया जाता है कि जो भी व्यवस्था बनी है यह व्यवस्था कितने दिनों तक चलेगी और अगर इसमें कोई संशोधन किया जाएगा तो कब और किन परिस्थितियों में संशोधन किया जाएगा इस तरह की चीज़ों के निपटारे के लिए जो एग्रीमेंट होता है जो समझौते होते हैं या जो व्यवस्था दी जाती है उनको भू राजस्व बंदोबस्त कहते हैं तीन तरह के भू राजस्व बंदोबस्त भारत में लागू किए गए वैसे तो उनकी अलग अलग उपशैलियाँ भी थीं कुछ स्थानीय भी था लेकिन तीन हमारे लिए प्रमुख हैं और हम इन तीनों पर ही ध्यान देंगे चौथे की बात हम लोग नहीं करेंगे इसमें से एक का नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है दो का नाम आप चाहें तो सुन भी लीजिए रेयतवारी बंदोबस्त और माहलवारी बंदोबस्त आइए पहले अस्थाई बंदोबस्त को देखते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों को लिखते हैं फिर माहलवारी को देखेंगे फिर रेत रह, फिर रेयतवारी को फिर माहलवारी को देख लेंगे और फिर इनके सम्मिलित प्रभाव पर चर्चा करते हुए क्लास को समाप्त कर देंगे क्या बिल्कुल लंबी नहीं होगी बिल्कुल लंबी नहीं होगी बिल्कुल नहीं लंबी होगी साढ़े आठ से पहले छोड़ दूंगा मैं आपको साढ़े आठ कोई बात होती है दस मिनट तो मैंने देर से शुरू किया था अब जाने के बाद तो देखो छह घंटा थके या सात घंटा थके जाने के बाद की जो आपकी स्थिति है एक ही जैसी रहेगी ये दस मिनट बचा के आधा घंटा बचा के आप कुछ ज्यादा कर नहीं लोगे हाँ इसको लगा के जरूर कुछ कर सकते तो अगर आप ये सोचो कि आधे घंटे में आप अतिरिक्त थक जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है ये छह घंटे की थकान में साढ़े छह घंटे का थकान भी उतर जाएगा वैसे ही होगा अब मुझे देखो मैं भी तो लगातार बके जा रहा हूँ आपके सामने मैं कहाँ थक रहा हूँ कम कम की डिमांड तो मुझे करनी चाहिए ना इसलिए कि इस पूंजीवादी समाज में, में, में मेरा हो रहा है शोषण अतिरिक्त घंटे काम कराए जा रहे हैं मुझसे और ये पूंजीपति वर्ग कौन है मेरे सामने बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ वर्ग पूंजीपति चूंकि सुखी समृद्ध होते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते मजदूरों का शोषण करते हैं दिहाड़ी मजदूरी तो है हम लोग और कौन है अरे दिहाड़ी मजदूरों की जो प्रकृति होती है वो सारी प्रकृति हमारे अंदर मिलती है और आज तो एक एडिशनल प्रकृति भी हो गई आप में से कुछ लोगों ने ब्रेक में देखा होगा मैं सत्तू खा रहा था वो भी प्याज और हरी मिर्ची के साथ तो हमारे यहाँ हम मजदूर जब काम करते करते थक जाते हैं तो गमछा लाते हैं और गमछा में सत्तू सानते हैं देखा होगा आपने और प्याज काटते हैं और शौक से खाते हैं हरी मिर्ची और प्याज के साथ सत्तू पूरा का पूरा प्रोटीन होता है वो बहुत मजा आता है वही खा के आया हूं मैं ब्रेक में बैठ के वही खा रहा था तो आज तो मैं पूरी तरह से भारतीय मजदूर बना हुआ हूं तो इसलिए आराम से चलेंगे हम लोग सारी चीजें हो जाएंगी देखो धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है उत्तेजना की स्थिति से बाहर निकलिए एक मिनट का समय भी बहुत होता है दृष्टिकोण इस तरह से होना चाहिए कि अगर एक मिनट भी बचा हुआ है तो बहुत समय है मरने को अभी मरने में एक मिनट बाकी है ना ऐस कर सकते हैं, फिफ्टी नाइन सेकेंड ऐस कर सकते हैं उस लास्ट मिनट में ही तो मरना है ना तो वहां जब जाएंगे तो देख लेंगे उसको ये पहले से उत्तेजित के, ना बहुत सारा काम खराब होता है और अगर आप देखिए इंसान वही काम करता है जिसमें उसको लगता है कि वो कर सकता है तो दस मिनट भी अगर बचा है अगर आप सोचे कि दस मिनट में बहुत कुछ हो सकता है तो बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन लगेगा कि अब मिनट में क्या होगा मिनट बर्बाद होगा और इस तरह का दस मिनट हर रोज बर्बाद होगा एकेडमी में ज़्यादा काम कराते हैं मतलब तो ठीक तो है थोड़ा सा उसका भी अनुभव यहीं पे ले लीजिए ऐसा क्या है तो ये अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी बंदोबस्त से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूं आप सुन लीजिए लिखवाएंगे तो टाइम लगेगा सत्रह सौ बानबे में नहीं बल्कि सत्रह सौ नब्बे में पहली बार इसको लागू किया गया दस वर्षों के लिए सत्रह सौ तिरानबे में इसको अस्थाई बना दिया गया उसके बाद से इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जाने लगा इस बंदोबस्त की संकल्पना को विकसित करने में तीन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसमें एक था कॉर्नवालिस उसका फोटो चाहें तो आप हमारे मटेरियल में, में देख सकते हैं दिया हुआ है यूपीएससी भी ऐसे प्रश्न पूछ सकती है फोटो देके पूछेगी निम्नलिखित में से कौन कॉर्न वालिस है नहीं तभी तो कलरफुल फोटो देखना चाहते हो आप इसलिए ना कि ठीक से पहचान सको को वालिस कौन है अरे वो बच्चों को खिलाने के लिए बनाया गया है क्योंकि आप लोग एकदम बच्चों की तरह एक्ट भी कर रहे हो आजकल कि जब तक ग्राफ नहीं देखे फोटो नहीं देखे ना पढ़ेंगे ना याद करेंगे यूपीएससी को मेरे ख्याल से देश की सेवा के लिए बच्चों की जरूरत नहीं है थोड़े बड़े हो जाओ ठीक है ना हम तो आपको खिलाएंगे ही क्योंकि हम नहीं खिलाएंगे तो कोई और दूसरा गोद उठा ले जाएगा आपको मार्केट में प्रतियोगिता भी तो है ना हाँ मैंने कहा ना शुरू में कि अगर रंग, रंगों में ही जीवन है तो सबसे रंगीन हम होंगे फिर लेकिन रंगों से काम नहीं चलेगा रंगों से काम नहीं चलता तो यहाँ कॉर्नवालिस को अगर आप नहीं देख सकते हैं तो मैं चार्ट के माध्यम से कॉर्नवालिस को बना भी सकता हूं अगर आप देखना चाहें यह था कॉर्नवालिस आप भी एग्जाम में बना दीजिएगा लिख दीजिएगा कि कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लागू करते हुए मैंने ऐसी तो हरकतें आप कर भी रहे हो करवा भी रहे हो हम लोगों से तो ठीक है हम भी करते हैं देखो बना दिया चार्ट अब तो नहीं कहोगे ना कि चार्ट बना के नहीं समझाया फोटो बना के समझाया अच्छा है ना बट सवाल यह है कि भारत का इतना धन खाएगा कैसे <laughs> बिना मुंह के तो खा नहीं सकता मुंह बनाया नहीं था मैंने इस त्रुटि पे तो ध्यान ही नहीं था आपका चलिए ये भी हो गया अब ये पूरी तरह से कॉर्नवालिस हो गया हाथ इतने पतले कैसे हुए इसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स खा के मोटा हुआ है ठीक है यहां लिख दीजिए भारतीय धन पूरे उपनिवेशवाद को आपने एक ही झटके में दिखा दिया भारतीय धन खाके बैठा हुआ है पेट फूला हुआ है उसका ठीक है इसके बगल में बना देंगे दो छोटे छोटे और ये बहुत हल्ला करता था इसको कहते थे सर जॉन सोर और ये था जेम्स ग्रांट और दोनों इसके कान में बक 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 बक, बक व्यवस्था समझ में? और कर्नवालिश के दिमाग में देखने बाल खड़े हैं इसके क्यों खड़े हैं? इन संपत्ति का अधिकार अंत में कॉर्नवालिस ने इसको माना और सर जॉन सोर के परपत्र के आधार पर ही इसको लागू किया गया तीन प्रमुख राजस्व प्रशासक है जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं ठीक है लेकिन सिर्फ यही नहीं है और भी दूसरे लोग थे जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया था उनकी तस्वीरें मैं नहीं बनाऊंगा वो आप खुद से ड्रॉ कर लेना वहां पर अगर हम देखें तो एक व्यक्ति है जिससे हम लोग पहले से परिचित हैं उसका नाम है फिलिप फ्रांसिस ये वाएस राय, वाएस राय नहीं वारन हेस्टिंग्स की काउंसिल का सदस्य था वारन हेस्टिंग्स का आलोचक पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने अस्थाई बंदोबस्त की बात की थी तो वह यही व्यक्ति था कारण यह था कि वारेन हेस्टिंग्स से परेशान था और वारेन हेस्टिंग्स इस समय नए प्रयोग कर रहा था तो कॉर्नवालिस की बात हो रही तो वारेन हेस्टिंग्स भी प्रसंग बसा ही जाएगा यानी कि कॉर्नवालिस पहला नहीं था जिसने राजस्व प्रशासन को सुनिश्चित करने की कोशिश की थी उससे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने भी की थी और वारेन हेस्टिंग्स ने जो पद्धति अपनाई थी उसको कहते हैं इजारा यानी कि रेवेन्यू फार्मिंग उसने कर वसूलने का भू राजस्व वसूलने का अधिकार उनको देना शुरू किया जो सबसे अधिक बोली लगाते थे ऑक्शन कहते थे ये बोलियां एक साल के लिए लगी तीन साल के लिए भी लगी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी कि पाँच साल के लिए भी लगी और पंचवर्षीय कहा गया इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विन क्वेनियल सेटलमेंट अगर पूछे कि क्वीन क्वेनियल सेटलमेंट का जनक कौन था तो वारन हेस्टिंग्स इजारादारी का मतलब भी हम लोग पहले से समझते आ रहे हैं तो चूंकि इसमें कोई अस्थायित्व नहीं था तो काउंसिल के सदस्य वारेन हेस्टिंग्स की आलोचना किए उसमें सबसे प्रमुख कौन था ये वाला फिलिप फ्रांसिस तो उसने हो सकता हो कि इजारादारी व्यवस्था के विरोध के कारण ही सही लेकिन पहला व्यक्ति था जिसने परमानेंट सेटलमेंट की बात की थी बहुत पहले कर ली थी इस अवधारणा को आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगा फिर उसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी पटूलो हेनरी पटूलो ने भी उस समय का चिंतक है विचारक है उसने भी परमानेंट व्यवस्था का समर्थन किया था तो आपसे प्रश्न कैसे पूछ दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन अस्थाई बंदोबस्त का समर्थक था या समर्थक नहीं था ठीक है और आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हो जाएंगे सर जॉन सोर कॉर्नवालिस फिलिप फ्रांसिस वारेन हेस्टिंग्स और प्रश्न यह है कि इसमें से कौन अस्थाई बंदोबस्त का समर्थक नहीं था वारेन हेस्टिंग्स इसका समर्थक नहीं रहा था उसने इजारादारी व्यवस्था के तहत एक वर्षीय तीन वर्षीय और पंच वर्षीय योजनाएं बनाई और सबसे अधिक बोली लगाने वालों को राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया था क्लियर अब आइए इस बंदोबस्त की कुछ और विशिष्टताएं हैं जान गए व्यक्ति जान गए कौन कौन इससे संबंधित हैं इसमें हुआ यह था कि यह बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ और ये जो ज़मींदार थे इनको भूमि का स्वामी मान लिया गया यानी कि स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया स्वामित्व के अधिकार की एक विशिष्टता ये होती है कि ये एक तो अनु अनुवांशिक या अनुवांशिक जो भी लिखना हो मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है नहीं सही लिखा है ये नहीं रहेगा अनुवांशिक और दूसरा ये होता है कि इसमें अनुवांशिक अधिकार अगर हैं तो क्या होते हैं हस्तां हस्तांतरणीय ट्रांसफरेबल कई तरीके से आप कर सकते हैं डीड के जरिए कर सकते हैं सेल के जरिए कर सकते हैं मोर्टकेज के जरिए कर सकते हैं तो जमींदारों के साथ किया गया उनको स्वामित्व का अधिकार दिया गया और स्वामित्व के अधिकार की प्रकृति क्या होती है अनुवांशिक होती है हस्तांतरण यह होती है अब एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है जो कार्य कारण संबंधों के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आखिर ज़मींदारों के साथ ही इस बंदोबस्त को क्यों किया गया तो इसकी व्याख्या इस आधार पर की जाती है कि एक तो ये था कि जमींदार उस क्षेत्र का प्रभावी वर्ग था जिसके पास जानकारी थी वहाँ के स्थानीय राजस्व प्रशासन की तो उस वर्ग की अवहेलना करना थोड़ा कठिन कार्य था खासतौर से उस समय में जब कंपनी और उसके अधिकारियों के पास भू राजस्व से संबंधित ज्ञान की कमी थी और जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े पुराने लोग थे वो कंपनी के साथ अपने ज्ञान को शेयर करना नहीं चाहते थे तो मजबूरी भी हो सकती है लेकिन और भी उद्देश्य हो सकते थे जैसे राजनीतिक सहयोगियों की प्राप्ति अगर आपने अपनी व्यवस्था में निहित हित विकसित कर दिए तो ये जमींदारी वर्ग जो है वो आपका समर्थक होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये शुरू से लेकर आखिर तक लगभग समर्थक बने रहे कुछ छुट्टे छुट्टे फूटे जमींदारों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भागीदारी की समाज सुधार के कार्यों में भी काम किया लेकिन जमींदारों के वर्ग को भारतीय समाज में और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी एक प्रगतिशील वर्ग के रूप में नहीं देखा गया वर्ग की बात हो रही है व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है और अक्सर ये अंग्रेजों के पिट्ठू ही बने रहे यही कारण था कि जब अंग्रेजी शासन आया तो जमींदार भी आए और जब अंग्रेजी शासन की समाप्ति हुई उन्नीस में तो उसके बाद जमींदारी व्यवस्था भी खत्म हो गई थी कि नहीं हो गई थी ये भारतीय समाज के प्रतिक्रियावादी वर्गों में रहे यानी कि यह आशा कि जमींदार ब्रिटिश शासन के समर्थक बनकर उभरेंगे चूंकि व्यवस्था में उनके निहित स्वार्थ हैं यह आशा काफी हद तक फलीभूत हुई थी काफी हद तक सफल भी थी फिर एक और कारण था कि प्रशासनिक सुविधा भी थी कम खर्च पे आप राजस्व वसूली कर सकते थे कुछ ही जमींदारों से वसूली करनी है बहुत किसानों के पास नहीं जानी है प्लस जमींदार चूंकि वसूली के कार्य से पहले भी संबंधित थे तो उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी मिल जाएगा आपको उसके लिए आपको अलग से प्रश्न अलग से प्रयास नहीं करने तो खर्च की कटौती होगी ये बात समझ गया ना और ये की सुविधा का दृष्टिकोण था एक और चीज हो सकती है कि कॉर्नवालिस की जो खुद की स्थिति थी वह इंग्लैंड के भूस्वामी वर्ग से आता था और काफी प्रभावी भूस्वामी वर्ग से आता था तो उसकी एक सहानुभूति भूस्वामी वर्ग के प्रति थी यानी कि उसकी व्यक्तिगत सोच इस समय बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित कर रही थी उसने अस्थाई बंदोबस्त को भी प्रभावित किया था दूसरी बात यह भी थी कि यह माना गया कि इंग्लैंड में उस समय जहाँ पे कृषि क्रांति चल रही थी वहां का जमींदार वर्ग उद्योगपति बनकर उभर रहा था तो ऐसा माना गया कि भारत में भी जो जमींदार वर्ग होगा जिसके पास धीरे धीरे धन का संचय होगा तो यह वर्ग धीरे धीरे उद्यमशीलता की ओर बढ़ेगा और इस तरह से बड़े पैमाने पे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होंगे हालांकि यह आशा आशा ही बन के रह गई क्योंकि आप व्यवस्था जिस तरह से विकसित करने जा रहे थे उस व्यवस्था में भारतीय उपक्रम के लिए और उसके विकास के लिए जो अन्य परिस्थितियां चाहिए होती हैं उस तरह की परिस्थितियों का विकास नहीं हो पाया था तो ये सब कारण थे कि व्यवस्था किसके साथ की गई जमींदारों के साथ की गई अब इस व्यवस्था में ज़मींदारों से यह कहा गया कि आप एक बेस ईयर माना गया मेरे ख्याल से वो 89 या 90 का बेस ईयर था 88 89 का बेस ईयर था उस साल जितनी वसूली हुई थी उसको मानक मानते हुए उसका 10 बट्टा 11 निश्चित कर दिया गया यानि कि एक बट्टा 11 कौन रखेगा ज़मींदार अपने पास रखेंगे और सरकार कितनी अपने पास रखेगी दस बट्टा ग्यारह अब आप बताइए कि सरकार रेंट ले रही है कि रेवेन्यू ले रही है रेंट और रेवेन्यू यानी कि कर और लगान का फर्क आप समझते हैं जैसे कर क्या है भू राजस्व जिसे कहते हैं उसमें जो ओनर है संपत्ति का जो स्वामी है वह सरकार को देता है और लगान उसे कहते हैं जिसमें कि, कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो यूजर है यानी कि प्रयोग करता है वह उस संपत्ति के मालिक को देता है हिंदी में ये शब्द हैं अंग्रेजी में हम रेवेन्यू कहते हैं और रेंट कहते हैं आज भी आप देख लीजिए कि जो आप रेंट देते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आप किराए पे रहते होंगे दिल्ली में वह किसको देते हैं भूस्वामी को देते हैं किसके बदले में देते हैं उसके संपत्ति के प्रयोग के बदले में देते हैं क्या उसकी राशि उतनी ही होती है जितनी राशि सरकार उनसे प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में लेती है तो ज़्यादा कौन होता है रेंट कम कौन होगा राजस्व और आप कितना ले रहे हैं दस बटा ग्यारह तो आप कमीशन ही तो दे रहे हैं इसीलिए भारतीय अर्थशास्त्रियों ने बाद के दिनों में एक नया टर्म अंग्रेजी में क्वाइन किया जिसको कहा गया रेंट रेवेन्यू मतलब ये कि कहने को रेवेन्यू लेकिन वास्तव में क्या रेंट अभी देखा था हम लोगों ने कि किस तरह से व्यवस्था में भू कर की दर को हमेशा ऊंचा ही रखा गया था ठीक है ना अब एक चीज यहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है कि क्या सुनिश्चित किया गया ये जो भी था इसको अस्थाई रूप से निर्धारित कर दिया गया इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं अब अस्थाई रूप से जो चीज निर्धारित की गई वो क्या था अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कुछ लोग मानते हैं कि दर दर नहीं था टोटल मात्रा भू राजस्व की राशि हमेशा के लिए निर्धारित की गई थी दर नहीं अगर दर ही निर्धारित कर देते तो फिर तो व्यवस्था में कोई त्रुटि ही नहीं थी इसलिए कि जैसे जैसे रेवेन्यू का आधार बदलता सरकार का शेयर भी उसी के अनुसार बदलता रहता अगर उसमें बढ़ोतरी होती तो सरकार का शेयर बढ़ जाता उसमें घटोतरी होती तो सरकार का शेयर घट जाता लेकिन ऐसा नहीं था इसकी वजह से अन्य प्रशासकों ने परमानेंट व्यवस्था की आलोचना भी की थी तो स्थिति क्या थी जैसे कैलकुलेशन की सरलता के लिए मुझे लेने दीजिए ये वाला कि हम लोग के पास टोटल कितना है ग्यारह सौ मैं नहीं चाहता कि आपके मैथमेटिक्स के ज्ञान पर मैं इस वक्त ज़्यादा बोझ डालूँ वैसे सी सेट की तैयारी तो चल ही रही होगी आपकी तो थोड़ा सा इंटर डिसिप्लिनरी मेथड थोड़ा सा सी सेट भी 1100। 1100 में जब व्यवस्था बनी तो स्थिति कितनी थी कि कौन कितना रखेगा तो एक हज़ार किसके पास जाएगा देखिए सरकार के पास और सौ रुपया किसके पास जाएगा ज़मींदार के पास लेकिन अगर किसी वजह से आमदनी बढ़ के कितनी हो जाए 2200 हो जाए तो उस समय सरकार के पास कितना जाएगा हाँ उस समय सरकार के पास अब 2000 नहीं जाएगा अभी भी एक हजार ही जाएगा क्योंकि धन राशि इस दर से जो निकाली गई थी उसको सुनिश्चित किया गया था यह स्पष्ट है और फिर अब जमींदार के पास कितना बचा इस बार जमींदार के तो बल्ले बल्ले कितना बचा बारह सौ रुपए लेकिन यह स्थिति आने में समय लगा काफ़ी समय लगा कहीं कहीं तो स्थिति आई भी नहीं और वसूली की निश्चितता के लिए ज़मींदारों से इसलिए भी किया गया था कि किसानों को मजबूर नहीं किया जा सकता अगर फसल मारी जाए तो लेकिन जमींदारों के पास बंगाल में बरसों से संचित धन था तो उनके धन को बेचा जा सकता था उनकी संपत्ति को बेचा जा सकता था और इसके माध्यम से सरकार की वसूली की जा सक मतलब तो सरकार के नुकसान की भरपाई की जा सकती स्पष्ट है यह अब इसके बाद इसमें एक फीचर और था कि वसूली की प्रथा बहुत ही कठोर थी और उसमें एक नियम यह बनाया गया था कि अगर सूर्यास्त से पहले अगर आपने निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पहले शायद वो थर्टी फर्स्ट मार्च था अगर कर नहीं जमा किया तो आपकी संपत्ति को निलाम कर दिया जाएगा संपत्ति का अधिकार इतना फ्रेजाइल इतना कमजोर किसी भी उस समय के उभरते हुए पूंजीवादी समाज में नहीं था इसी को कहते हैं ओपनिमेसिक आधुनिकता क्लियर? इतना कुछ जानिए इसके बारे में इसके बाद से रेयतवाड़ी बंदोबस्त इसके बारे में बहुत कम ही तथ्य हैं अच्छा कहाँ किया गया था यह भी जान लीजिए। रेयतवाड़ी कहते हैं ये बंगाल में था परमानेंट सेटलमेंट बिहार में था बनारस में था और उड़ीसा के भी कुछ प्रांत में था यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ प्रांत में भी था थोड़ा बहुत उत्तरी सरकार रेयतवाड़ी के बारे में यह जानने वाली बात है कि करीब 51 प्रतिशत जो क्षेत्र था वह रेयतवारी के अंतर्गत था यानी कि सबसे विस्तृत अगर कोई भू बंदोबस्त का क्षेत्र था तो वह रेयतवारी का क्षेत्र था इस व्यवस्था से संबंधित आरंभिक प्रयोग महल डिस्ट्रिक्ट में एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था उस अधिकारी का नाम था आप बता सकते हैं हाँ अलेक्जेंडर रीड ठीक है कर्नल रीड कहते हैं उसको कैप्टन अरे ठीक है ये जानो आप ठीक है ना उसके बाद से इसके कुछ चेले थे चेले समझते हैं ना चेले चपाटी उन चेलों में एक था मुनरो एक था वही जो भागा था आग से बच के पूना से एल्फिंस्टन इसने इसको मद्रास प्रांत में लागू किया और इसने इसको बॉम्बे प्रोविंसी में लागू किया और ये जब लागू कर रहे थे तो वो समय परिवर्तित हो चुका था यह था 19वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश कोई विशेष तिथि यहाँ पे नहीं है और इन पर बदले हुए प्रभावों का बदले हुए विचार जो थे उस समय उभर रहे थे उन सबका असर देखने को मिलता है ठीक है ना इसमें जो भू बंदोबस्त किया गया वह किसानों के साथ किया गया और किसानों को भी उसी तरीके से स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया जिस तरह से परमानेंट सेटलमेंट वाले क्षेत्रों में जमींदारों को दिया गया था बस यहाँ पर जो दर निर्धारित की गई वो हमेशा के लिए नहीं की गई जो राशि निर्धारित की गई हमेशा के लिए नहीं की गई वसूली की पद्धति यहाँ पर भी कठोर रही लेकिन सूर्यास्त नियम जैसा कोई नियम नहीं था सर्वे और मेजरमेंट की बात की जिसको कि कभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया 20 से 30 वर्षों पर इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना था उसको भी बहुत सीरियसली नहीं लिया गया इसके बाद से अगला जो क्षेत्र है वह है महालवारी क्षेत्र महालवारी बंदोबस्त और इसका क्षेत्र कौन सा था पंजाब था वर्तमान हरियाणा और यूपी यूपी आज का उत्तर प्रदेश नहीं था ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और अवध ये दो होते थे इसमें नॉर्थ वेस्टर्न के इलाके में पंजाब के इलाके में और मध्य भारत के एक बड़े इलाके में जो मराठों से लिए गए थे माहलवारी बंदोबस्त लागू किया गया और इसमें जो सेटलमेंट था वह ग्राम समुदाय के साथ किया गया हालाँकि जो वसूली थी उसके लिए जो गाँव के प्रमुख लोग होते थे उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना गया यहाँ पर भी कोई अस्थाई प्रावधान नहीं था यहाँ पर भी 10-20 सालों में इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना था कर की दर यहां पर भी ऊंची रही थी 50 प्रतिशत घटा कर किया था लॉर्ड डलहौजी ने उससे पहले 50 से भी ज्यादा रहा होगा सहारनपुर अधिनियम के माध्यम से तो ये हो गए आपके भू राजस्व बंदोबस्त उनके क्षेत्र उनसे संबंधित व्यक्ति यहां पर जो संबंधित व्यक्ति हैं इसमें आप डलहौजी का नाम लिख सकते हो यह सबसे बात का है <coughs> डलहौजी के अलावा एक व्यक्ति है जिसका नाम था थॉमसन इसलिए इसको थॉमसोनियन सेटलमेंट भी कहते हैं एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन बर्ड और इसी से मुझे एक अपनी गलती का ध्यान आया जो कि मैं पिछले क्लास में कर चुका हूं मैंने मराठों के साथ संधियों की बात की थी उसमें मैंने सुरजी अर्जुन गांव को बताया है किसके साथ भोसले के साथ लेकिन सूर्य सही बताया था क्या था होलकर के साथ देवगांव की संधि हुई थी और मैंने किसके साथ लिखवा दिया है एक मिनट मैं बताता हूँ नए सिरे से देखिए इसमें सबसे पहली जो संधि हुई थी वह हुई थी सिंधिया के साथ वो कौन सी संधि थी सुरजी अर्जुन गांव की इसमें कोई मतभेद नहीं है ठीक है भोसले के साथ जो संधि हुई थी उसको कहते हैं देवगांव की संधि मैंने राजपुर घाट लिखवा दिया है इसको देवगांव कर लीजिए ठीक है ना और इसके बाद तो बची नहीं जाता इसके बाद तो आपको पता ही है कि होलकर के साथ जो संधि हुई थी वह थी राजपुर घाट की संधि मेरे दिमाग में चल कुछ ऐसा ही रहा था लेकिन स्लिप ऑफ टंग आप समझते हैं ना बुढ़ापा भी तो है मेरा लग नहीं रहा कि बुढ़ापा है थोड़ा थोड़ा लग रहा है बारीक बुढ़ापा ये 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 कौन सा बुढ़ापे का नया कंसेप्ट उठा के लेकर चले आए बारीक बुढ़ापा बारीक नजर तो इतनी जरूरत क्या है बारीक नजरों से देखने की मुझे ऊपर की नजरों से देखो ताकि मैं जुआ दिखता रहूं बारीक इतनी बारीकी से दूरबीन लेके खुर्दबीन लेके थोड़े देखना होता है किसी को सरसरी निगाह से देखो ठीक है अब देखो मैं जुआ दिख रहा हूँ बारीक नजरों से नहीं देखना होता है और ये लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना आप भी थोड़ा दूर से देखा करो मुझे बहुत गरीब आ जाओगे तो बूढ़ा लगने लगूंगा मैं तो ये तीनों हो गए अब इससे पहले कि छह मिनट अभी बचे हैं छह मिनट में दुनिया बदल सकती है मैंने कहा था साढ़े आठ में छोड़ दूंगा मैं पहले ही छोड़ दूंगा उससे पहले हम प्रभावों की बात कर लेते हैं तो इनके रूप अलग अलग रहे प्रावधान अलग अलग रहे लेकिन चूंकि मंतव्य एक जैसा था तो परिणाम एक जैसे रहे क्या कविता कही मैंने अभी रूप अलग रहे प्रावधान अलग रहे लेकिन मंतव्य एक था तो परिणाम एक रहे ठीक है वाह वाह बोलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और परिणाम क्या रहे इन्होंने भारतीय सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किए जिसके मूल में पूंजीवादी रूपांतरण देख सकते हैं इसलिए कि संपत्ति का अधिकार पूंजीवादी समाजों की विशेषता होती है और भारत में पहली बार इतने निश्चित तरीके से भूमि में संपत्ति के अधिकार को सृजित किया गया इसके साथ अनुबंध आधारित संबंध जितने भी सेटलमेंट थे वो क्या होते हैं अनुबंध आधारित संबंध होते हैं और अनुबंध आधारित संबंध जब बने तो परंपरागत संबंधों का क्षय हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि कर की दर अधिक थी वसूली की तकनीक कठोर थी तो धीरे धीरे उत्पादकता कम होती चली जाएगी तो गरीबी बढ़ेगी गरीबी बढ़ेगी तो कर्ज लेंगे कर्ज जब लेंगे तो जिन लोगों से कर्ज लेंगे उन सामाजिक वर्गों का जीवन में प्रभाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सेठ साहूकार महाजन और जब इन लोगों का प्रभाव बढ़ेगा तो आपके जो उत्पाद है उसका मूल्य आपको उचित मिल पाएगा कभी तो आप कर्ज के ट्रैप में फंस जाएंगे और जब कर्ज के ट्रैप में फंस जाएंगे तो जमीन बिक जाएगी तो बड़े पैमाने पर कृषि विहीन मजदूरों का उदय होगा कि नहीं होगा और जमीन जहां से गई है वहां पे तो भूमिहीन मजदूर उभरे इसको अकिसानीकरण भी कहते हैं डीपीजेंटाइजेशन लेकिन जमीन जिसके पास गई है वहाँ नए तरह के ज़मींदार उभरेंगे कि नहीं जो जमीन खरीदने में सक्षम थे ये अक्सर शहरी लोग थे सेठ साहूकार लोग थे और ये नए तरह का जो सामाजिक वर्ग पैदा हुआ नए तरह के ज़मींदार जो थे ये शोषण में पुराने ज़मींदारों के बाप निकले क्योंकि इनको कृषि जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं था प्लस इन्होंने बिजनेस किया था और बिजनेस में मुनाफा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और तीसरी बात ये थी कि जो किसानों के साथ परंपरागत जमींदारों के परंपरागत भावनात्मक संबंध होते थे एक साथ रहने से जो विकसित होते थे उस तरह के संबंध भी इनके लिए नहीं थे और दुरस्त जमींदारी यानी कि जमींदार अपनी भूमि पर उपलब्ध भी नहीं था वो दूर था तो कृषि के विकास में रुचि नहीं ली किसान जो भूमि पर था उसके पास संसाधन नहीं थे कि वो कृषि में निवेश कर सके और इस तरह से अविकसितता की स्थिति का विकास होते चला गया भारतीय कृषि जीवन में और लोगों की निर्भरता तो बढ़ी कृषि पर लगातार पूरे जनसंख्या का कुल भाग जो था जो कृषि के ऊपर पहले निर्भर था उसके अनुपात में वृद्धि हुई लेकिन कृषि की उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाई थी और अगर हुई भी थी तो वह समय के अनुकूल नहीं थी और अंततः हमें एक ऐसी कृषि अर्थव्यवस्था मिलती है जिसके दुष्परिणामों को आज तक हम लोग झेल रहे हैं हालांकि बहुत हद तक इन्हें ओवरकम कर लिया है हो गया खत्म तीन मिनट में दुनिया बदल सकती है कि न? अभी तीन मिनट बचा हुआ है ठीक है लेकिन आपकी क्लास तो समाप्त होती है देखिए वादे का पक्का हूं मैं इस बात से तो यकीन इस बात पे तो यकीन करेंगे आप साढ़े आठ से पहले कहा था छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया इस प्रकार यह समाप्त होता है कल हम लोग बात करेंगे अब तक उन्होंने जो किया उसकी बात हो रही थी कल हम लोग बात करेंगे हमने जो किया इतना हमारा चोषण हुआ कल क्लास न होने की कोई वजह मुझे तो नहीं लगी कल है तो मिल जाएगा मैं कह रहा हूं ना मेरी भी तो कुछ प्रतिष्ठा है कल आप आए कल क्लास होगी हाँ कल एक बजे से है कल मेरी तो नौ बजे से है क्लास आपकी एक बजे से है तो कल मेरी नौ से एक है एक से चार है पाँच से आठ है ठीक है ना तो जो एक से चार है और जो पाँच से आठ है मेरे ख्याल से वो आपकी क्लास है और जो सुबह नौ से है वो परायों की है मुझे नहीं पता वो पराए कौन है उनकी शक्लें देखेंगे तो याद आएंगे अच्छा ये थे वो चलिए मिलते हैं कल थैंक यू सो मच गुड नाइट